नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे मास्टर ट्रेनरों का एनएक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सहायक निदेशक बचत ब्रजेश यादव ने एक बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि पोलिंग पर्सन को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर को चुनाव की सामान्य प्रक्रिया व M2 मॉडल की EVM मशीन को संचालित करने के लिए भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह वोट पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव M2 मॉडल की EVM मशीन से होगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, अधिशासी अभियंता अवधेश सिंह, मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक निदेशक बचत ब्रजेश यादव ने कहा, और उसके बाद इनको रिफर कर दीजिए सेकंड के पास क्यों जाएंगे ये, क्या वही जो क्रमांक है वो डालेंगे काउंटर फाइल में और इनसे कहेंगे कि इस पे अपना दस्तखत कर दीजिए, अंगूठा निशाने लगा दीजिए। और आप सबको पता है कि ये स्क्रीन और नाखून लिए लगाई जाती है और इस प्रकार लगाइए कि वो उस पर बिल्कुल लग जाए, और लगने के बाद अब लग गया है, दस्तखत करवा लिया है, काउंटर फाइल से मेन फाइल को अलग करिए। अलग कर करके अब क्या करना है, तो पहले मोड़ना समझा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेज है उसका मतपत्र का, सीधा ही मान लीजिए, तो इसमें इसको आधा यूं मोड़ दीजिए और आधा इधर से मोड़ करके, और ऐसे मोड़ने के ऐसे करके आप दबा दीजिए उसको और उसको पकड़ा दीजिए। बात आ रही समझ में कि जब वोट दे लोगे वहां पे तो ऐसे ही तुम मोड़ना उसको। क्यों कहा जा रहा है, वो मोहर मार रहा है इस पर, वहां पर मारेगा जाके तो स्याही है। और अगर मान लीजिए उसने ऐसे न मोड़ने के बजाय ऐसे मोड़ दिया तो इस वाले का ये जो मुहर लगा है वो इस पर भी लग सकता है और काउंटिंग के दौरान कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि वो इसको वोट दिया किसको दिया, जबकि वो मालूम हो जाता है कि किसको दिया, लेकिन विवाद बनता है वहां पर। तो इससे बचने के लिए मोड़ने का तरीका समझाया गया है। और अगर दो कॉलम में बनाए होंगे या कुछ साइड में बनाया गया है उसी पेज पर, पेज एक ही होगा, तो उसको दो पार्ट में बांटिए। अब ऐसे करिए, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट समझिए यूं हो गया, तो इसमें भी इसको ऐसे मोड़ना है आपको, सेंटर से इधर से भी सेंटर से मोड़ना है, इधर से दोनों से, और उसके बाद ऐसे करना है। क्लियर हो रही बात? मेरा नाम ब्रजेश यादव है, सहायक निदेशक बचत के पद पर मैं गोरखपुर में कार्यरत हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये प्रशिक्षण नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 का जो इलेक्शन होना है उसमें प्रशिक्षण, जो मेन प्रशिक्षण हमारा पोलिंग पर्सनल्स का शुरू होने वाला है, उनको पोलिंग पर्सनल्स को प्रशिक्षित करने के लिए जो मास्टर ट्रेनर लगाए गए हैं उन मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग आज हो रही है। क्या क्या जानकारी दी जा रही है? चुनाव की सामान्य प्रक्रिया और M2 मॉडल की जो हमारी EVM मशीन है, चूँकि ये चुनाव जो है M2 मॉडल की EVM मशीन से होना है, तो EVM मशीन की इनकी जानकारी दी जा रही है इनको।